इन्होंने कपड़ों की थी ना सूटों की। अच्छा आप देखे वैसे है गरम गरम। ये मैं अपने खालू के लिए डाल रही हूँ, खालू के लिए डाल रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है? वेखो साढ़े कमरे च इस्तरी नहीं सी, यही सूट मैंने पल्ले पै गया जे यही पाया है। पर चले कोई बात नहीं, अपने मुल्क में अपने घर में एक ही बात होती है। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, चले आपको नाश्ते। लिफ्ट खोलो। ले जी, एक वॉचर रह गया कमरे में, सन्ना वो लेने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक आप कैसे? थैंक यू, वेलकम। हाँ जी ठीक ठाक। रूम शायद 481 है मुझे याद, मेरी सिस्टर गई वो भी आएंगी बताएंगी। ठीक है, अभी सना आती है तो बस फिर हम मैं ऑर्डर करती हूँ। चले ले लें आप, मैं थोड़ा सा बस। ये देखिए जी सना का नाश्ता, हेल्थी नाश्ता, पूरियां बन रही हैं इधर करें। सना की पूरी बन रही है भैया, मेरी पूरी बन रही है, तेरी पूरी का फल। वो देखें जी आलू वाला पराठा लग रहा है, ये भी हमारा पराठा, और ये सना खा रही है पूरी। यहाँ तो जी खुलेंगी शॉप्स 1 बजे, लेकिन अब हम निकलने लगे हैं। देखिए कुछ खुले है तो शुरू करिए शॉपिंग, टाइम तो साढ़े को लेना है कोई नहीं, तो देखें क्या मिलता है। आप आ जाओ, खुल गई है, दबा दिया है, अभी दबा के दबा। ये देखें जी शॉल, वेरी ब्यूटीफुल है, हुण इहने हर सूट दे उत्ते लै लैणी है। मैं कुछ और ही इक कहती लोकां लगदा मैनूं पसंद पड़ी मैं कुछ है। अब जाने लगे हैं हम, अभी हमारी उबर हमने की है, अभी आती है तो निकलते। 2 बजे खुलेगी वो, 2 बजे खुलेगी कह रहे हैं। जा रहा है ये देखें जरा, जा 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 जा। ये हम आए हैं निशात पे, यहाँ मैंने तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इतनी महंगी साड़ी आपने ली। ये देखें कितना खूबसूरत है ये लहंगा, और बड़ा एलिगेंट सा है, दिखाएं। हाँ अगर हमने तो इतना नहीं छोटा बनाना, वो आपको फैब्रिक आपको अनस्टिच मिलेगा। तो ये किस उसके ओकेजन के लिए ये इसको पहन सकते हैं? पेस्टल कलर है, निकाह। हाँ बड़ा खूबसूरत है, वेरी प्रिटी जी, कितने ज़बरदस्त यहाँ पर कपड़े हैं कलेक्शन। साड़ी तो वैसे मुझे ये वाइट भी बड़ी पसंद है, लेकिन नहीं लूँगी, होनी चाहिए। वो पूछे अगर उन्होंने कलेबरेट करना है मेरे साथ तो कर दूँगी। निशात हाँ ब्यूटीफुल जी, ये है ब्लाउज, ब्लाउज की फुल स्लीव्स का कपड़ा है। हाँ जी है। अच्छा ये इसका आपने अपनी भी जानी है? हाँ तो फिर लेंथ ये है कि ब्लाउज ही बनेगा, चोली नहीं बनेगी। नहीं नहीं नहीं, और वो फिर देख लेंगे, मे भी मैं बाजू नेट के लगवा लूँ या कुछ कर लूँ ना, ऐसे कर लूँगी। साड़ी ली है जी यहाँ पे, ये वाली देखें निशात से, ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना जब मैंने देखी थी ये साड़ी, मैंने कहा ये तो लेनी। हाँ बहुत खूबसूरत, वेरी प्रीटी, बड़ा रश लगा, क्लीन हो जाता है ना।
उनको अर्जेंसी हो ना, उनको बड़ी जगह और दूर लग गई है। मैं कह रहा सफर पैके घर का और दूर हो गया ना, पैके घर वाला साहब जी लंबा चक्कर पे आ गया बंदू। चलेंगे, हेलो, वालेकुम सलाम, थैंक यू। निशाद पे गए, बड़ा मजा आया, बड़े लोग मिले, रश पड़ गया। हमारी जूतों वाली शॉप पे थक टूट गए हैं बस। ये सिग्निया था शायद शॉप का नाम, और इनके जूते बड़े ही अच्छे थे। मैंने जूते खरीदे क्योंकि इंग्लैंड तो ना जुतियां अपनी साडे सलवारां खरीदण पाउण वालियां अच्छियां मिलदियां ने, ते मैं कहा चलो इत्थों लै जाइए, उत्थे बहुत ही किस्मत चंगी होती तुहानूं जुत्ती कोई चंगी मिल जाए, नहीं ते उन्हां दे अपने स्टाइल दे जुतियां हुंदियां ने, ते ऐ मैनूं जिहड़ी जुत्ती चुक्कां उही चंगी लगे। तो बस जी ये फिर सना साथी तो उसको दिखा दिखा के कहड़ी लवां। ऐ रेड मैनूं बड़ी चंगी लगी, ये मैंने एक रेड में ली और एक ऑफ वाइट में ली, बड़ी ज़्यादा। जी अब हम केंद्र के पास जा रहे हैं। जी फरीद के पास हम गए, तो रस्ते में ये यहाँ पर दाने पुज रहे थे, तो असी भी लैके इतों खाधे दाने, मकई पुजी हुई बड़ी वधिया लगी। और यहाँ पे जी ये साड़ी जो हमने आज खरीदी, आज टेलर को दी, और हमने कहा कि ये कल हमें चाहिए क्योंकि मैंने ये पहननी है वलीमे पे। तो बस जी यदा कपड़ा शायद थोड़ा सी बाजू अद्धे बनते पे, सन बड़ा ही सोचा कि टिशू दे लवा, सॉरी ऑर्गेंजा दे लवा लवां या शिफोन दे लवा लवां। बहरहाल दर्जी फिर अपनी मानते हैं, दर्जी तो डॉक्टर इन्हों पता है भाई ये सही ने, तो होर कोई भी सही नहीं। बहरहाल उसने कहा कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, बाजू जितने बनेंगे उतने ही बनाए, ठीक है। मैं कहा चलो जी फिर ठीक है तो बनाए, तो जी कल आएगी सिल के तो देखते हैं फिर कैसी बनेगी। ये देखें जी, ये आई है साड़ी और बड़ी ही ज़बरदस्त है, प्योर सिल के ऊपर ये साड़ी है। इसके साथ ये ज्वेलरी मैंने निकाली है हल्की सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगता नहीं है पहनना। और ये क्या जी, मारिया बी का वो गरारा जो मैंने पहना था, ये देखें इसके साथ, ये इसका पर्स भी इसके साथ ही है, ये देखें। तो अब पता नहीं क्या पहनूंगी, आपको पता चलेगा एंड पे कि हमने क्या पहना। तुसी वैसे कमेंट कर दियो कि की पाना चाहिए। ये देखें जी, लंच मैंने रूम में ही मंगवा लिया, थकावट मैंने इन्नी हुई है, मैं क्या हूँ मैंने किधरे भी जाना। सैंडविच और साथ ही कोसलो है, ये हम खाएंगे और आपको मिलेंगे शाम को जब रेडी होंगे, तो आप देखें फिर भाई हमने क्या पहना है। ऐ पेने कपड़े इन्होंने फिर मैं वेखांगी, ठीक है। एनकां ते पता नहीं मैं कित्थे सुट दित्तियां ने, ये लगाने लगी हूँ जी क्ले फेस मास्क, यो किसे लेके आई थी, जरा स्किन जरा अच्छी हो जाएगी। लें जी इसको लगाएंगे, कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, ते अद्धियां बाहों वाला ब्लाउज बना दिता है मसीह। शक्ल देखें कैसी लग रही है, अद्धियां बाहों वाला ब्लाउज, ये बड़ा ठंडा लगता, मैं दिल करता मैं अखां ते भी ला लूं। तो ये आधा घंटा लगाई रखना है, 20 मिनट लावांगी, उसके बाद मेरी हेयर की अपॉइंटमेंट है, बालों की, बाल अपने करूंगी ठीक। एन काफर है कितने सुट छड़ियां ने, लभदियां नहीं पईयां। सना गई है ज़रा बाहर, उसने अपनी बेटी के किसी काम से जाना था, किसी कुछ पता करने, तो वो उधर गई हुई है। तो मैं कहा मैं चलो जल्दी से पीछे से रेडी हो जाऊँ, फिर मेरी हेयर की अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी, और फिर 6:30 बजे तक हम रेडी होकर निकलेंगे। लो जी फेस मैंने वॉश कर लिया, वो तो गाची सी, वो तो चमड़ी गई मेरे मुँह ते, पर स्किन बड़ी अच्छी फ्रेश हुई है। अभी मेरी बालों की अपॉइंटमेंट है, वो करवा लूँ, देखें जैसे कितना अच्छा लग रहा है बाहर। तो वो टाइम हो गया, प्लस मैंने कोई थोड़ी सी ज्वेलरी देखनी, अब यहाँ नीचे से ही देखूँगी, टाइम कोई नहीं, तो नीचे चलते हैं और आपको नीचे चल के मिलते हैं। इधर है जी ज्वेलरी की शॉप, यहाँ से कुछ देखो। हाँ अस्सलाम वालेकुम, ज्वेलरी देखनी है कुछ, और शाले भी आपको मिलेंगी। ये बड़ा खूबसूरत, इसकी क्या प्राइस है? 8,500 का है। 8,500 का, अच्छा मुझे ना कुछ, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ना इंस्टाग्राम पे देखती हूँ जब आप लाइव आती हैं। अच्छा, तो मैंने उधर से आपको देखा। अच्छा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ जी, अच्छा आप ये देखें यहाँ कितने अच्छे थे, जबरदस्त
ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छे हैं। ये कितनी अच्छी शॉप्स हैं, ये ज्वेलरी देखने थे। ये देखें, ये भी है जी, पीसी के अंदर ही शॉप्स हैं, किसी ने कुछ लेना हो तो यहाँ से ले लें आके, जैसे मैं आई हूँ देखने। ये देखें जी, ये हैं बैंगल्स, ये भी अच्छी हैं। ये इसकी क्या प्राइस है? 12,000 का। अच्छा, 14,000। ये 14,000 ले जी। ज्वेलरी तो मेरे पास थी बस, बाजू में पहनने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं अब जा रही हूँ। इधर ऊपर है वो हेयर ड्रेसर, उससे ज़रा बाल अपने सीधे करवाऊँ। ये इधर है सैलून। अच्छा, पर्स भी है। ये शॉल कितनी प्यारी, ये कितने की है शॉल? 5,000 की। हाँ प्यारी है। ये है जी पीसी के अंदर ही है सैलून, ये यहाँ पे आई हूँ। ये देखें, पता नहीं कितने ने सारियाँ देखें जी, हम पहुँच गए यहाँ। और वैसे तो मैंने सुबह बाल वॉश किए थे, लेकिन अभी हेयर रूट टचअप होगा, उसके बाद ब्लो ड्राई। देखें पाकिस्तान में कैसा करते हैं, इससे पहले तो मैंने यहाँ नहीं करवाया, पर होपफुली अच्छा ही होगा। हाँ नहीं, आप देखें जैसे पहले मेरा कलर हुआ हुआ है ना, उसी के साथ मैच हो, ऐसे ना लगे बिल्कुल। आपका जो काफी ब्लॉन्ड है। हाँ ब्लॉन्ड ऐसे ही, देख लें थोड़ा सा, बड़ा अच्छा हुआ इनका। हाँ तो जी, ये इनको मैं कह रही हूँ रूट टचअप करेंगी ये अभी, और ब्लो ड्राई करेंगी। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने नहीं कराया यहाँ, होपफुली अच्छा ही होगा। मैंने स्प्रे दे लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं देखिए लगा के आई थी, क्या कहते हैं वो क्ले वाला मास्क, बड़ी अच्छी स्किन हुई है उसके साथ, पिंक क्ले। पाकिस्तान में गाची नहीं होती जिस तरह से, ये वो वाला था टेक्सचर इसका। नहीं नहीं आप आ जाए। अच्छा आपका नाम क्या है? नताल्या। कब से कर रही है यहाँ पे जॉब? मुझे खुद से याद नहीं है वैसे। अच्छा कौन सा कलर अब करने लगी हैं बताएं? पहले रूट्स देखे। कौन सा? 7। हाँ चलें ठीक है ठीक है। हाँ 7 सजेस्ट किया है। अभी तो मेरे बाल देखें, ये मैंने पिछले हफ्ते ना वहाँ से इसका कलर अपना ठीक कराया, नहीं तो मेरे बड़े कुछ पीले कुछ नीले रंग बिरंगे बाल हो गए। अभी थोड़ा इनका कलर ठीक हो गया, लेकिन रूट्स जो हैं सम रीज़न डार्क करो तो वो फिर इतने थोड़े डार्क और पीछे बहुत लाइट हो जाता है, तो इसलिए अब मैंने कहा कि मैं दोबारा एक दफ़ा करवा लूँ। वैसे पता तो कौन से लगता पे है भाई, पर चलो चलो करा के देख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इज गुड। अच्छा ये देखें जी, चाय आई है, चाय आई है। हम कैसी हैं आप? ये मैडम का तो मैं काम करती रहती हूँ। अच्छा तो मुझे नहीं पता किस मैडम का, आपका मैंने पहले अपलोड किया। आप वो लाइफ है ना? पर मैं तो आई नहीं, नहीं इंस्टा पे हूँ मैं। अच्छा पर मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर। फर्स्ट टाइम आई है? ये लंदन होती है। अच्छा हाँ, अभी पापा के पास रह रहे हैं। किसका किया था आपने? पता नहीं आपके जैसे फेस था कुछ, माशाल्लाह इधर आते रहते मिलते जुलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। और मैडम क्या हाल है? ठीक है। टी कॉफी कुछ ले? कितनी टी कॉफी पिलाएंगी ये देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। मैं कम चैनल देखती हूँ। बाल हमारे वो हाय हाय हाय, गर्दन टूट जा गर्दन टूट जा। नहीं है बन गई। क्या स्टाइल बना है, मैं तो वैसे लग रही हूँ सीधी चाइना चाइना जा रही हूँ सीधी चाइना। नेल कलर देखें कितना जबरदस्त लगा है। हूँ आ जाइयो कहना आपकी तो एज नहीं है, आप ये क्या कर रही हैं भाई। कई 70 साल की एज में भी 20 साल की जिंदगी गुजारते हैं, और कई 20 साल की एज में भी 70 के होकर रह जाते हैं बेचारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल अभी भी 20 साल की एज की तरह धड़कता है, और हमारा दिल करता है वही सब कुछ करें। देखें पर ये आज आप सबकी फरमाइश पर मैंने कहा हम कर लेते हैं थोड़ा जहा फैशन। मैं वैसे ना आई थिंक अपनी शादी पे पार्लर गई थी और आज आई हूँ,
28 साल के बाद। ये देखें जी, ये खुल रहे हैं अब कर्ल। इन्होंने जो ब्लो ड्राई किए थे और अब इस तरह से वेखो सा डकी स्टाइल बने। अब देखें जरा क्या बनने लगा। इधर अगर थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग हो जाए ना थोड़ी सी। श्योर श्योर। ये देखें जी, हमने पहन ली है साड़ी और ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, देखें हम हो गए हैं रेडी, अभी आपको बाहर चल के मिलते हैं। देखें जी, हमने पहनी साड़ी आज। इंस्टाग्राम पे हमने पूछा था क्या पहने, तो ये देखें हमारी साड़ी कितनी जबरदस्त लगी। चलें जी, हम आए हैं लिफ्ट में, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरन वीनियो, की हाल है? तुसी ठीक हो जी? तुहाडे वास्ते एक बड़ा ही जबरदस्त जिहा व्लॉग लैके आया जिदा तुहानू बड़ी शिद्दत नाल इंतज़ार सी कि हम गए सबा जी के बेटे अरसलान फैसल की शादी पे, और वो शादी कैसी थी, क्या कुछ वहाँ पे हुआ, हमने क्या क्या किया। ते जी वेख लवो, हम गए सबा जी और उनकी बहन सना और सादिया, वो गेट पर दरवाजे पर ही थे, ते बड़े ही प्यार नाल सानू मिले। ते बस जी उत्थे भी साढ़े चाहण वालियां दी कोई कमी नहीं सी, बहुत इधरों उधरों सारिया ने खिंचा जी तस्वीर खिंचो। फिर एकदम रौला पै गया जी, दुल्हन आने लगी है, दुल्हन आने लगी है। सभा जी ने सारिया ने कहा इधर आ जाओ, सारे फड़ो आके, ये ना लाइटा जी बलदियाँ पई सन बड़िया सोहनिया। तो जी ये पकड़ा दिया सबके हाथों में, और ये देखें इसमें दूल्हे दुल्हन की हुई एंट्री, और बड़े ज़बरदस्त दोनों माशाल्लाह लग रहे थे। दुल्हन भी बहुत ही सोहनी है, इतनी प्यारी बच्ची है निशा के मैं आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह एजुकेटेड है, सिंपल फैमिली से है, हम जैसे लोग, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे अपने घर की बच्ची हो। बड़ी मिलनसार और बड़ी प्यार से मिलती है। और अरसलान का तो मैं आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह सबा जी ने इतनी अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की कि वो इतनी इज्जत से रिस्पेक्ट से मिलते हैं। और ये तो उनका सबसे छोटा बहुत ही लाडला बेटा है जैसे अयान है, बहुत सारी उसकी बहुत सारी आदतें और बहुत सारी बातें और सलान की बिल्कुल वैसी हैं। और ये है जी जुनैरा, जुनैरा मलिक, जो फिटनेस का भी कोच करती हैं, डाइटिशियन भी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, फरा सबा फैसल की जो सिस्टर हैं उनकी ये बेटी हैं। तो सारे ही वही इंज मिलते हैं मैनू, जिस तरह पता नहीं मैं इनको कब से जानती हूँ या ये मुझे कब से जानते हैं। तो ये ज़ारा हैं ग्रीन सूट में, सबा जी की फैमिली में से ही हैं, अमेरिका से आई हुई थी। ये भी इतने प्यार से मुझे मिली, इतने प्यार से कि मैं कहाँ कि बस भाई केड़ी ऐसी कोई चीज़ इंसान हो जी किसी की चंगी लग जाती है, और कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है, मेरे से किसी को क्या गर्ज क्या लालच हो सकता है ना। तो यह भी इन्हों की फैमिली चो ही आए सन भाई, बड़े ही लोग मिले, इतने प्यार से मिले। ये देखें हैं, कोई ना कोई आ जाता सी, कोई इधरों कोई उधरों, भाई हमने तस्वीर खिंचवानी हमसे मिलना है। भाई इस दफ़ा पाकिस्तान में आके मुझे वाकई एहसास हुआ कि लोग मेरी वीडियोज़ बहुत देखते हैं और बड़े शौक से मिलते हैं, जिस तरह उन्होंने प्यार का इजहार मेरे साथ किया कि बस ओवरवेलमिंग सी कि मैं जो किधरे गई हाँ तो, और मैं अगर खाना भी खा रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता था वहाँ खाना खाने का। माशाल्लाह इतने लोग आते थे कि भाई हमने पिक्चर खिंचवानी, और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो ये यहाँ पर सबा हैं, ये भी ड्रामा आर्टिस्ट ही थी, ये भी बड़े प्यार से मुझे देख रही थी, मैं कहा चलो मैं इनको सलाम कर लूँ। तो बस जी ये फिर ज़ारा आई सूप ले कर, उन्होंने कहा चलें पिए, और ये देखें जी
यहाँ पर जी सब स्टेज पर जा रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और मैं क्या चलो जी मैं भी जावा अपने घर पर का ब्याह सी, जिदे नाल मर्जी बहज हो जाके जिदे नाल मर्जी, इंज लगता ही नहीं सी कि कोई तुहानू कहे कि नहीं नहीं आप वहाँ क्यों गई हैं या आप वहाँ क्यों बैठी हैं। बच्चे भी सभा जी भी मैं कहती हूँ इतनी इंसान उतों पछाणिया जाता कि दूसरे की इज्जत किस तरह करता है, वो दूसरे को मान कितना देता है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत दिया। और मैंने जैसे बताया ये दोनों अरसलान और निशा इतने प्यार से मुझे मिलते हैं, मैंने तो अपने ही बच्चे लगते हैं, इतने प्यार से मुझे मिलते हैं ये। तो बस मैं निशा को यही बता रही थी, मैं कहा लोगों ने इन्ना पसंद किया है कि दुल्हन जो है शादी वाले दिन एडा सोहना सिर ते दुपट्टा लिया सी, अपना आप एडा सोहना कवर किया सी कि ये चीज़ें दुल्हन की बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये जी सभा जी की आई दूसरी बहू नेहा, ये भी बड़े ही प्यार से मिली, बहुत ही माशाल्लाह सोहनी है और बच्चे भी बड़े ही प्यारे थे इनके। बस जी पाकिस्तान की शादियों का अपना ही मज़ा है, यह रौनक सानू बाहर कितने मिलदिया ने वेखण, मैं तो बहुत घट वेखिया। और अच्छा आगे जी आई वारिस बेग की फैमिली और हम इनको मिले, आप भी सुने। अच्छा आपको भी पता मेरी मियां ने मुझे वीडियो सेंड की, इन्होंने अच्छी वीडियो देखते हैं सभा जी है? नहीं वो कपड़ों की थी ना सूटों की। अच्छा आपके लिए देखा नहीं आया, देखें उस बारिश कितनी हुई ना, देखा बहुत सारी वेरी प्रीटी थैंक यू ताड़े को काटी है, ये जो प्यारे होते हैं उनके दोस्त भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जी खाना खुल चुका था, रोटी खुल चुकी थी, चार चफेरे खाना लगा सी, कोई रश नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, सब ने आराम से डाला गरम गरम और इतना मज़े का मज़ेदार खाना था और बहुत ही हमने इंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात कि सभा जी ने अपने घर के सामने प्लॉट बहुत बड़ा था तो उत्थे उन्होंने लवाए सन तंबू टेंट, जिस तरह पहले जमाने खुले डुले विआह हुंदे सन, ऐ वी खुला डुला विआह सी। तो आप ही सभा जी इतना हंसी मुझे कहती हैं लो भाई मैनू तो वह भी लोग आ जाते हैं जिन्हों मैं जानती नहीं, मेरे तो क फंक्शन तो वह भी लोग आ जाते हैं, मैं कह तो अल्लाह की ब्लैसिंग होंगी, अल्लाह की रहमत होंगी कि तुहाडे घरों भी आके खा जाण जिन्हों तुसीं नहीं जानते। और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था सही ट्रडिशनल जिस तरह से ये शादी हो रही है, बड़ा ही इंजॉय किया हमने। इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तो हम इनको मिलने आए हैं, हमसे मिलना चाहती है और ये मेरी देवरानी है। आपकी देवरानी? अच्छा अच्छा, ये मेरे देवर हैं। और यहाँ पर जी बड़ा ही खूबसूरत केक जो है वो कट रहा था और बड़े ही खुशी का यहाँ पर माहौल था, सारे आके इकट्ठे होके वेखण लग पे सन जी की होने लगा किंज हुंदा ना, दो बंदे खरोते हुंदे ने ते सारे उन्हां नूं वेखदे हुंदे ने। थैंक यू।
यहाँ पर जी हम अम्मा के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और बड़ी हंसी मजाक वाली उन्होंने मुझे कहा कि कल घर आना, तो बस लेकिन हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि मैंने उनको कहा मैं आऊँगी, लेकिन बाद में मैंने उनको फ़ोन किया लेटर के नहीं आ सकूँगी, मुश्किल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो फिर ज़रूर अम्मा के साथ हम कोई सेगमेंट रखेंगे जो आप सब इंजॉय करेंगे। बस जी गल्लां करते रहे थे, हंसते रहे, बड़ा ही मज़ा। ये जो थी ये निशा की खाला थी जो कराची से आई हुई थी, यानी कि दुल्हन की खाला, और वो भी बड़े प्यार से मिली, उन्होंने कहा वो भी बड़े शौक से वीडियो देखती हैं। यहाँ पर फरा हमें मिली, सबा की सिस्टर, और यहाँ पर जारा आई क्योंकि मैंने कहा भाई सब हमारे जाने का वक़्त हो गया है तो असी हूँ जाइए, कहा रब्बू जी जो हैं वो घबरा जाते हैं ज़्यादा देर हमें लग जाए, तो जी ये देखें ये भी मिली थी हमें यहाँ पर सबा जी की, ये नेबर होती थी और ये भी आई हुई थी वहाँ पर, बड़े पुराने पुराने इनके मिलने वाले लोग, और बड़ी मोहब्बत से मैंने देखा कि वो इनको मिलते भी थे, और ये ऐसी जी क्या जानते हैं एक तस्वीर खिंचा लिए। चलो जी आपको मिलेंगे कल किसी और व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।